नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कॉर्नर में। मैं आपके साथ वीरेन शुक्ला। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जो जीडीपी की पहली तिमाही है उसके आंकड़े रिलीज हो गए हैं। एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले 6.25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि ग्रोथ रेट काफी ज्यादा गिर गई है। तो देखेंगे जीडीपी ग्रोथ डाउन टू 6 ईयर लो इन Q1, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टेक्स अ हिट। इंडिया जीडीपी ग्रू 5% इन अप्रैल से जून का क्वार्टर है। इस बीच भारत की जीडीपी पिछले 25 क्वार्टर में पहली बार इतना नीचे गई, जिसका जीडीपी 5% रही और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड 4.9% रहा। ये जीवीए पिछले 21 क्वार्टर में सबसे निचला क्वार्टर है। जीडीपी ग्रोथ डाउन टू 6 ईयर लो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के पहले क्वार्टर में हमारी जीडीपी मात्र 5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी। एक बड़ा स्लो डाउन हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला। लास्ट टाइम जो हमारा इतना 5% से भी कम जीडीपी ग्रोथ रेट हमें 2012-13 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके जनवरी से मार्च महीने 2013 में देखने को मिला था, जो कि डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के। अगर हम बात करें 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर की, तब पहले क्वार्टर के में जीडीपी 8% की रेट से आगे बढ़ रही थी और जीबीए 4% के क्वार्टर से 4% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में काफ़ी 6 साल में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसका कारण वैश्विक कारण है। क्वार्टरली जीडीपी एस्टीमेट्स शो दैट इंडिया जीडीपी ग्रोथ वाइल हाई। जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि बहिर्जनित और अंतर्जनित दोनों कारणों से है। मतलब घरेलू कारण भी जिम्मेदार है और बाहरी कारण भी जिम्मेदार हैं। चूंकि वैश्विक स्तर पर भी ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उसके भी परिणाम देखने को मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन की भी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा वो 6% की ग्रोथ रेट से मात्र 0.6% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा पहले क्वार्टर में, जो कि 2018-19 की जो पहला क्वार्टर था, पहली तिमाही थी, उसमें 12.1% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा था। तो जो कि एक बहुत बड़ा मेजर गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि ड्रामेटिक स्लो डाउन है, जो कि 2% रहा, जो कि 2018-19 के जो पहली तिमाही थी उसमें 5.1% के ग्रोथ रेट से एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ रहा था। रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिला। 5.7% फर्स्ट क्वार्टर में रहा, जो कि पिछले 18-19 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 9.6% था। सुब्रमण्यन में जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुब्रमण्यन, उन्होंने इसको कंपेयर किया कि इस बार क्या कंपेरेटिवली इसमें स्लो डाउन देखने को मिला है। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर जनरेशन जो है इस क्षेत्र में काफी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिला। ये 8.6% रहा, जो कि पिछली बार 6.7% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था। एज इकोनॉमिक सर्वे 2019 द इन्वेस्टमेंट इज ए क्रिटिकल। अगर अधिक से अधिक इन्वेस्ट किया जाए और इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़े, मांग बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो इकोनॉमी को बेहतर तरीके से पटरी पे लाया जा सकता है।
तो ये था एक जीडीपी हमारी स्लो डाउन कर रही है उसका एक एनालिसिस कि क्यों स्लो डाउन कर रही है। भारी और अंतर्जनित दोनों कारक हैं, डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, डिमांड बढ़ाना होगा काफी। 25 क्वार्टर में हमारी सबसे नीचे जीडीपी चली गई है, जीवीए पिछले 21 क्वार्टर में सबसे नीचे है। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।